जवाब दे। मैं देता हूँ जवाब। गायत्री ने कानून तोड़ा है। पड़ी पड़ी दरार पड़ी उर्मिला। ताली बजाओ ताली महेंद्र। नहीं नहीं ताली नहीं, उछलो उछलो उछलो। नहीं नहीं डांस डांस महेंद्र डांस। नहीं नहीं भांगड़ा भांगड़ा भांगड़ा। नहीं नहीं गुलाटी गुलाटी। नहीं नहीं महेंद्र कार्टून कार्टून। अरे चुप करना। सॉरी डोबी। देखिए अन्ना भाई देखिए, मन ही मन में गायत्री भी विद्रोही करना चाहती है, इसने भी कानून तोड़ा है। बिल्कुल गायत्री ने कानून तोड़ा है क्योंकि वो कानून ही गलत था। हुँ? गलत था वो कानून है कि नहीं बोलो। हाँ कुछ समझ में नहीं आया अन्ना भाई, हुआ क्या है? मैं समझाता हूँ आपको उर्मिला बहन। बासता कौन है आ जा। अरे गायत्री बड़ा क्या हुआ? अन्ना वो नहीं सुनेंगे। अरे पिछले 2 घंटे से 1 रुपए का हिसाब ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा भी इनसे 1 रुपया जाने दीजिए, मैं 10 रुपए देती हूँ आपको, लेकिन माने तो ना। सोचना इसमें 1 लाख का घोटाला है। हुँ? अभी 10 लाख रुपए दे दो मुझे। क्या? नहीं अभी तुमने बोला ना कि 1 रुपए का घोटाला होगा तो हिसाब बरोबर करने के लिए तुम 10 रुपए दे दोगी, तो अभी निकालो 10 लाख। आहो अभी शांत हूँ मैं, मिल गया 1 रुपए का हिसाब। नशीब। गायत्री बड़ा आप बताओ क्या है तुम्हारा क्या है? अन्ना रात को 10:30 बजे के बाद सो जाना घर का नियम है ना? हाँ। लेकिन कोई सोता तो नहीं है। तो तुम क्या शिकायत करने आई हो क्या? हाँ? नहीं नहीं अन्ना मैं शिकायत करने नहीं आई हूँ, मैं तो आपसे परमिशन लेने आई हूँ। देखिए अन्ना नियम तो ये भी है ना कि नहाए बगैर कोई भी खाना खाने के लिए नहीं बैठ सकता, लेकिन जब बच्चे बहुत भूखे होते हैं तो आप ही कहते हैं कि इस कानून को थोड़ा मोड़ा जा सकता है। कहता हूँ मैं कहता हूँ, लेकिन जो नियम बड़ों को लागू होते हैं जरूरी नहीं है कि बच्चों को भी वही नियम लागू हो। बस उसी तरह 10:30 बजे के बाद सो जाना बड़ों पर हमेशा लागू नहीं होना चाहिए ना। अरे मतलब रोज रोज नहीं अन्ना, ऐसे कभी कभार अगर बड़ों का मन करे 11-11:30 तक जागने का या बाहर जाके कुल्फी खाने का तो उन्हें परमिशन मिलनी चाहिए ना। ओ बरोबर है, लेकिन फिर सुबह को ना वो लोग फिर। अन्ना जो सुबह ना उठे ना आप उसको पनिश करना। हाँ ठीक है फिर ठीक है। तो अभी हम कुल्फी खाने के लिए जा सकते हैं? जाओ 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 कुल्फी खाने, मैं और ज्योत्सना भी आते हैं मलाई कुल्फी खाने। जाओ जाओ। थैंक यू अन्ना। 12 रुपए खो गए जो छ ना, 12 रुपए गए। पापा आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया ना? महेंद्र भाव इसे कहते हैं समझदारी भरा बदलाव। नहीं नहीं अन्ना भाई, इसे सहूलियत भरा बदलाव कहते हैं। दाई सासरे जाए नहीं ने गांडी ने शिखावना पे। गांडी गांडी क्या ऐसे क्या बोल रहे हैं आप? मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ अन्ना भाई, हमें तो लेक्चर दे दिया आपने। हाँ लेकिन जब खुद की बारी आई तो बदलाव को समझदारी बना दिया। आपके सालों के नीति नियम को गायत्री ने एक झटके में तोड़ दिया, तो इसको कुछ कहने के बजाय आप इसकी आरती उतार रहे हैं और अपने राम जैसे अभिषेक बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। महेंद्र भाऊ आप इस नालायक की और मेरी गुणवंती बहू गायत्री की तुलना ना ही करें तो अच्छा है। गायत्री ने जो भी किया सर उठा के मुझे पूछ के किया, इस नालायक की तरह मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा देकर नहीं किया कि चलो चलो सुबह अन्ना को समझा देंगे
ऐसा बोल के नहीं लेके आई इन सबको कुल्फी खिलाने के लिए इधर। अब देखना उर्मिला। अन्ना भाई, अगर गायत्री आपको बिना बताए इन सबको कुल्फी खिलाने ले आती और दूसरे दिन सुबह आपको बताती कि अन्ना मैंने आपके नियम को तोड़ा क्योंकि मुझे वो नियम गलत लगा, तो आप गायत्री को सजा देते बराबर? ओ, मैं ऐसे ऐसे कैसे सजा देता? पहले इसकी बात समझता मैं। ओ, अच्छा आप गायत्री की बात को समझते। वाह, तो फिर ऐसा मौका आपने अभिषेक को क्यों नहीं दिया? वो भी शादी के बाद आपको बताने ही वाला था, लेकिन आपने अभिषेक की बात को समझने से पहले ही इसको घर से निकाल दिया। क्यों? नहीं नहीं, मतलब बताइए बताइए अन्ना भाई, गायत्री करे तो समझदारी और अभिषेक करे तो बेईमानी, ऐसा क्यों? वाह वाह वाह, मेरे गुजराती खरगोश, आज तो आपने मराठी शेर को पछाड़ी दिया। ओ उर्मिला बहन, शांत शांत। बल मैं देता हूँ जवाब, देता हूँ मैं, पहले मैं सवाल समझ लूँ। अभिषेक अगर मुझे बताता जो अभिषेक ने बताया नहीं, और गायत्री अगर मुझे नहीं बताती मगर गायत्री ने मुझे बता दिया। लेकिन अन्ना, अगर मगर करने का मतलब ही क्या है? मैंने सुबह तक इंतजार नहीं किया और आके आपसे इजाजत ली, सिंपल। बराबर बोले गायत्री, सिंपल। हाँ, और अगर अन्ना मना कर देते तो भारती वहिनी का जो ये कुल्फी खाने का प्लान था वो तुरंत रद्द कर देती ना गायत्री, है कि नहीं अन्ना? और गायत्री ने इस अभिषेक की तरह अन्ना को बाद में देख लेंगे ऐसा सोच के खुद निर्णय नहीं ले लिया महेंद्र भाऊ। हाँ बराबर बोल रहे हैं ये, अगर अभिषेक ने पहले ही अन्ना भाई से प्यार से जाकर पूछ लिया होता कि अन्ना मुझे अहमदाबाद के मॉल में हमारे गोखले बंधु दुकान की शाखा खोलनी है, तो अन्ना भाई ना थोड़ी बोलते, वो हाँ ही बोलते। मींस के अन्ना भाई को तो अभिषेक ने उनसे पूछे बगैर वहां जाके मॉल में दुकान खोल दी ना, उस बात का गुस्सा है कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे ही सवाल क्या पूछ रही है ये? हाँ कोई कुछ बोलो, इनको बोलो कुछ। प्रभाकर तू कुछ बोल। समंदर खारा होता है। मत बोल मत बोल मत बोल मत बोल मत बोल। क्या बोलेंगे ये और क्या बोलेंगे आप अन्ना भाई? आपका प्रॉब्लम ना आपका ईगो है, और ईगो की वजह से आपने अभिषेक को घर से बाहर निकाल दिया। नहीं नहीं महेंद्र भाऊ, मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कुछ और है। क्या है मेरा प्रॉब्लम? अन्ना, आप इसलिए नाराज थे कि उधर मॉल में उन लोगों ने हमारी बाकरवड़ी के नाम पे अनाप शराब नाश्ता बेचकर हमारी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया। बराबर जा रहा था सब कुछ और ये बोली। बराबर बोली भारती, बराबर बोली। यही समस्या थी ना मेरी। देखो देखो अपनी समस्या क्या है ये भी इनको दूसरों से पूछना पड़ रहा है। जावा दो छोड़ो छोड़ो ये सब छोड़ दो। अभिषेक तू अपने घर जा, गायत्री के साथ अपना संसार बसा प्यार से और अन्ना भाई की सेवा कर। सारी फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। नहीं नहीं महेंद्र, मैं भी नहीं नहीं, बिस्किट भी। अरे चुप रहने। अभिषेक तू जा। हाँ किस्सा यहीं खत्म, ठीक है अन्ना भाई? आप खुश? हाँ कैसा? ये सारे फसाद की जड़ ये लोग थे? मंडी का है। छोड़िए ना अन्ना, अब अभिषेक आ रहा है तो छोड़ो छोड़ो आजा आजा छोड़ो छोड़ो आजा। नहीं अन्ना, ये लोग वापस आपके साथ खेल खेल रहे हैं, शब्दों के जाल में फंसा रहे हैं आपको, क्योंकि ये लोग जानते हैं आप भोले हैं, बातों में आ जाते हैं, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। बरोबर बोली गायत्री,
मैं तो भूल ही गया था कि मैं बोला हूँ, मैं बातों में आ जाता हूँ। ए अभिषेक, दौड़ दौड़, हाँ तू नहीं आएगा हमारे घर पे। ये बोलिए वाइडी गायत्री पुली बीच बराबर अन्ना भाई आटे में आ गए थे और इसको बीच में बोलना ही था। अब तो मैं आना भी नहीं चाहता हूँ अन्ना, आप तो अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, मैं आपके साथ रहकर आपकी सोच को बदलना चाहता हूँ, जो होने वाला नहीं है। आपके साथ रहकर भी क्या फायदा ना। चलो भाई, तो फिर तुझे जाना नहीं, अन्ना भाई को तुझे बुलाना नहीं, तो तू चल अब हमारे घर। और क्या, तू हमारे घर, गायत्री तेरे घर। अच्छा गायत्री, वो जरा अलीबाग के वाउचर्स पड़े होंगे ना तेरे पास, वो जरा भिजवा देना। हाँ, क्योंकि क्या है, आधे पैसे हमने भरे थे ना उसके। हाँ, हाँ। तो वो हमको चाहिए। हाँ, अरे ऐसे कैसे चाहिए, हमने भी दिए हैं आधे पैसे। हाँ, हाँ वो आपने भी भरे थे आधे पैसे, वो बात बराबर है आपकी, लेकिन अभी इन दोनों को तो साथ में हनीमून पर भेजेंगे नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि महेंद्र चले जाएंगे अभिषेक के साथ हनीमून पर अलीबाग, से थोड़ा घूम काम के आ जाएंगे, नहीं तो वाउचर वेस्ट हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, वो वेस्ट वेस्ट नहीं होगा। आए आए अन्ना भाई गली में आए, घसीटो घसीटो। गायत्री भी तो जा सकती है जोत्सना के साथ, निर्मिति के साथ, भारत के साथ। हा? और मैं जाऊंगी अन्ना। हाँ तो मैं और अभिषेक भी जाएंगे, हम हमारा हिस्सा वसूल करेंगे, तुम तुम्हारा करना, है ना अभिषेक? यस पापा। तुम्हारी मम्मी को लगा मैं उनके आटे में आ गया। लेकिन अन्ना, रात को जब आप आए तभी आप ही ने कहा था कि आप उनके आटे में आ गए। फिर सासू भाई ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, इसी बहाने गायत्री अभिषेक के साथ रहेगी और उसको समझा सकेगी। वो जोत्सना ने बोला था, लेकिन सोच तो मेरी भी यही थी ना। गायत्री, इस प्रवास के लिए मैं इसलिए मान गया ताकि तुम वहां जाके उस अभिषेक को कुछ समझा सको, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाओ। अन्ना, मैं जाके उससे बात की शुरुआत नहीं करने वाली। बरोबर बोली तू, तुझे क्या जरूरत है? हाँ? गलती उसकी है, कोई आवश्यकता नहीं है सामने से फालतू की बात भी करने की। लेकिन अन्ना, तो फिर गायत्री अभिषेक को समझाएगी कैसे? ये भी बरोबर है, वो सामने से आएगा बात करने के लिए तो कर लूंगी। बरोबर है, सामने से आएगा तो ही बात करना है, समझी? एक मिनट। हेलो जी जी, बस आते हैं। भारती भाभी कैब आ गई है, चलते हैं। हाँ। अन्ना जाते हैं। अरे आयुष्मान आयुष्मान, ध्यान रखना एक दूसरे का, संभल के जाना। हाँ? संभलना वो टैक्सी वाले से। बराबर, पहुंचते ही फोन करना मुझे। उर्मिला वो थेपला देना। अरे हाँ हसमुख, ला डब्बे ला, अरे मस्त लग रहा है। ला ला झट ला दूसरा भी। उर्मिला, हम लोग थेपला बेचने जा रहे हैं वहां अलीबाग में। वहां समुंदर किनारे मैं डिब्बा लेके थेपला बेचूंगा। ले लो ले लो, ठंडा मीठा थेपला ले लो थेपला। काम लगेगा ना महेंद्र, अगर इन दोनों की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ मदद करने की नौबत आई तो। वो गायत्री के साथ तो वो बाय 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 भी आ रही है, वो क्या नाम उसका अपनी, वो ग्रीन टी नहीं हर्बल टी। उर्मिला उर्मिला, लास्ट टाइम उसका नाम तू रट्टा मार गया। भारती 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 भारती, पर कितना मुश्किल नाम है, वो जुबान पर चढ़ता ही नहीं है। ऐसा थोड़ा आसान नाम रखना चाहिए ना, जो याद रह जाए वैसा, जैसे महेंद्र। ये देख, कोई औरत अपना नाम महेंद्र रखे सिर्फ इसलिए ताकि इसे याद रखने में आसानी हो। दो भी
अच्छा अभी सुनो, मुझे पता है वहाँ जाके मुझे क्या करना है उर्मिला टीचर। मैं ये नहीं कह रही थी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अभी आप आज जा रहे हो ना, मैं नहीं हूं ना वहां पे। तो मींस के मुझे यहाँ पे आपके बिना, समझो ना। अभिषेक पापा आप निपटा लो। हाँ मैं गायत्री और भारती बहनी निकली कि नहीं ये देख के आता हूँ। आज तो पंगा लेने का मूड है मेरा। अजो अजो, अरे छोड़ ना उसको, पंगा लेते लेते प्यार उभर आएगा उसका। मैं हूं ना वहां, और प्यार क्या चीज होती है वो मुझसे बेहतर कौन समझता है। मेरी रूप की रानी हटो, चोरों के राजा मने बहु गमे। जाओ ना वे, सो तमे पण साओ, बच्चों के प्यार पर ध्यान दो चक्रमलाल। हाँ अच्छा महेंद्र, मिस मी हूं। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा मिस मी हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे उर्मिला उर्मिला कहाँ है तू, उर्मिला उर्मिला ऐसा वाला मिस। मैं जाता ही नहीं हूँ, बस जाओ ना। अरे हाँ हो गया पप्पा, हमारे हनीमून पे जाना है, याद है ना आपको। हाँ भाई हाँ याद है, चल एलियर चल 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 सामान उठा पुली। चलो वहाँ पर वहाँ पहुँच के मुझे तुरंत फोन करना। हाँ हाँ हाँ, भूलना ही नहीं, नेटवर्क नहीं होगा तो नेटवर्क ढूंढ के करना फोन। ये बैग। एक मिनट भारती भाभी, इन लोगों से कह दीजिए कि यहाँ हमारा सामान रहेगा, अपना सामान ऊपर रख ले। पापा आप ही कह दो कि ऊपर कैरियर नहीं है, हम अपना सामान यही रखेंगे। अभिषेक तुम तुम्हारा सामान आगे रख दो ना। भारती आगे बोनेट है, इंजन निकाल के सामान रखेंगे क्या हम? वो जो आपको ठीक लगे। भारती भाभी इन लोगों से कह दीजिए कि दूसरी टैक्सी कर ले। पापा आप भी कह दो कि टैक्सी का भाड़ा पैकेज में इंक्लूड है जो हमने भी भरा है, सब कुछ शेयर करना होगा। हाँ। मैं कुछ भी शेयर नहीं करूंगी, कह दीजिए इनसे भारती भाभी। तो ठीक है दूसरी टैक्सी कर लो, पापा कह दो। अरे बाप रे, ये लोग तो शुरुआत में ही अलग अलग होने की बात कर रहे हैं। अभिषेक एक काम करते हैं, हमारा सारा सामान ड्राइवर साहब की बगल वाली सीट पे रख देते हैं और चारों जन पीछे बैठ जाते हैं। एक ही सीट पे? हाँ, तू और गायत्री बाजू बाजू में बैठ जाना, भारती बीच में बैठ जाएगी और मैं कोने में एडजस्ट हो जाऊंगा। ओके। मैं इसके बाजू में एक सेकंड खड़ी भी नहीं रह सकती, बैठना बहुत दूर की बात है, कह दीजिए भारती भाभी। अभिषेक तुम सामान के साथ आगे एडजस्ट हो जाओ ना। क्यों अभिषेक क्यों एडजस्ट होगा? भारती तुम सामान के साथ आगे एडजस्ट हो जाओ। बराबर मैं बैठ जाती हूँ। अरे क्या मैडम, एक तो इतना सारा सामान है, ऊपर से आप, अरे मेरी टैक्सी पीछे से खड़ी हो जाएगी। ये मेरी टैक्सी है, कोई चांद पे जाने वाला रॉकेट नहीं है। हाँ वो भी है। महेंद्र बाबू हाँ, आपका वजन कम है ना, तो आप सामान के साथ आगे एडजस्ट हो जाइए, मैं अभिषेक और गायत्री के साथ पीछे बैठ जाती हूँ। बेस्ट आइडिया बहनी। नहीं भारती भाभी मैं इसके साथ एक सीट पर भी नहीं बैठूंगी। ओ भाई साहब आप मेरे साथ आगे आइए ना, और ये हनुमान कपूर को पीछे बैठने दीजिए मैडम के साथ। ओके भाई। ओ भाई साहब हम दोनों हनीमून कपल नहीं है, ये दोनों हनीमून कपल है। ये हनीमून कपल है, सर पे बंदूक रख के आपने शादी की थी क्या इनकी? ओ ड्राइवर साहब आप अपना काम कीजिए ना, और अभिषेक तू मान जा, तू आगे बैठ जा, मैं इनके साथ पीछे बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं महेंद्र बाबू मैं आपके साथ पीछे नहीं बैठूंगी, किस किस को समझाएंगे कि हनीमून कपल हम दोनों नहीं ये दोनों है, मुझे शर्म आती है। ओके ओके ओके, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। बाय बाय।
हाँ गाड़ी रोकिए, ये अरेंजमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। ओ हेलो, हाँ महेंद्र क्या पहुंच गए? अरे वाह वाह, अच्छा मस्त जगह है। हाँ तो महेंद्र आप है ना, दौड़ के सबसे अच्छा वाला रूम पकड़ लेना खुद के और अभिषेक के लिए। हाँ हेलो भारती, पहुंच गए? अरे वाह 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 वाह, अच्छा तो तुम एक काम करो, वो महेंद्र भाव रूम पकड़े ना उससे पहले फटाक से भाग के अपने और गायत्री के लिए एक अच्छा वाला रूम पकड़ लो। हाँ अरे महेंद्र वो बाई 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 क्या दौड़ेगी, अब तो लिंबू चमची रेस एक्सपर्ट हो, आप उससे पहले मुंह में बैग पकड़ के से छलांग मार कर रूम पकड़ लेना। भारती भारती तुम खो खो चैंपियन हो ना, हाँ तो महेंद्र भाव को खो कर देना, धक्का मार देना और अच्छा वाला रूम पकड़ लेना। हाँ तो महेंद्र आप है ना? तो फोन में प्रॉब्लम है। अरे भारती यहाँ पे है ना कुछ लोग झूठ मूठ फोन पे बात करते थे, पकड़े गए। जोयो जोयो जोयो, क्या 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 जोयो जोयो, शुरुआत आपने की थी हा? और मैं तो आपको आप ही की भाषा में जवाब दे रहा था। अरे जवाब तो हम देंगे अन्ना भाई, मैंने महेंद्र को गायत्री और अभिषेक के साथ भेजा ही इसलिए है कि आपकी जो दक्यानुसी सोच मेरी बेटी के दिमाग में घुस गई है ना वो उसको निकाल दे। और मैंने अपनी गायत्री को इसलिए भेजा है ताकि वो आपके पति और मेरे बेटे की सोच को सही ठिकाने पे लेके आए, उनको कुछ समझ में आए और अपनी हार को स्वीकार करे। एम एम तो फिर देखते हैं कि हारता कौन है और जीतता कौन है। देखती रह जाएगी, मैं जीत के भाग जाऊंगा।